हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कॉन्ट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। एक ऐसा फैक्ट जो आपके दिमाग को हमेशा हिट करता होगा, एक ऐसा फैक्ट जो आपके दिमाग को हमेशा परेशान करता होगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। वो फैक्ट है कि अगर हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी अगर रिवॉल्व हो रहा है, अगर रोटेट हो रहा है, तो हमें इस बात का फीलिंग क्यों नहीं होता, हमें ये एहसास क्यों नहीं होता कि हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। इसकी वजह क्या है? तो देखिए, इसकी सबसे बड़ा वजह यह है कि जब हम जब कार में बैठते हैं या किसी ट्रेन में बैठते हैं, तब हमको कैसे पता चल जाता है कि हाँ, हमारा कार, हमारा ट्रेन जो है वो रिमूव कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि एक तो हम कार में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, जिसमें कार का स्पीड बताया जाता है, उसकी मदद से हम लोग जान पाते हैं कि हमारा कार मूव कर रहा है आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ओके, और बाहर की चीजों, रिलेटिव चीजों को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि अगर हमारा कार एक जगह रुका हुआ रहेगा, तो जाहिर है सामने की तरफ विंडो से बाहर जो चीजें होंगी वो भी एक जगह पर रुकी हुई होंगी। और अगर वो कार रिमूव होगी तो सामने वाले पेड़, लैंपपोस्ट या जो लोग या जो रोड, जितनी भी चीजें बाहर की तरफ हम लोग देख सकते हैं, वो पीछे की तरफ होती चली जाएंगी, क्योंकि हमारा कार आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अर्थ में ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कार का जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, वो आगे ज्यादा कम होता रहता है। लेकिन अर्थ में ऐसा क्यों नहीं होता, अब मैं आपको ये बताता हूं। तो देखिए, अर्थ का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप देखकर ये समझ सके कि हाँ, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं हमारा डेली लाइफ यूज में। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए हैं, आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, हमारा स्पीडोमीटर घूम रहा है तो कार आगे की तरफ बढ़ रही है। आप रिलेटिव चीजों को देखकर बताते हैं कि हम कार आगे की तरफ बढ़ रही है। अब मैं समझाता हूं कि आप इन सारे कंफ्यूजन को दूर कैसे कर सकते हैं। आप अपने कार में बैठ जाइए, अपने प्राइवेट कार या जो भी कार है, कार में बैठ जाइए, ठीक है। कार में बैठने के बाद आपको सारी जो आपको माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं या आपके दिमाग, ये सारा खेला जो है वो फीलिंग्स का है। आप अपने आसपास की सारे चीजों को ब्लॉक कर दिए, जैसे कि बाहर की तरफ हमको देखकर समझ में आता है कि हाँ, हमारा कार रिमूव कर रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने कार के जो विंडो है उनको ब्लैक पेंट कर दिए। ऐसा कीजिए कि आपको कुछ भी बाहर का कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे। आप अपने कान में ईयर प्लग लगा लिए, ईयरबड्स लगा लिए, ताकि आपको बाहर का कोई चीज सुनाई ना दे, आपको बाहर का कोई चीज दिखाई भी ना दे। आप उसमें ये कर दिए, और कार का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रखिए, 40-20 जितना भी है कांस्टेंट रखिए। और गाड़ी ऐसी जगह पे चलाइए जहां पर कोई किसी तरह का ट्रैफिक ना हो, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो होगा क्या, बाहर की चीजों को आप नहीं देख पाओगे क्योंकि विंडोज पे तो ब्लैक पेंट लगा हुआ है। कान में आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि आपने ईयर प्लग लगा लिया है। दूसरा, आप अपना स्पीड को कांस्टेंट रखिएगा, कार का स्पीड को। और अगर आपका गाड़ी अगर वाइब्रेट कर रहा है चलने के वक्त, तो आप एक दूसरी कार में बैठे, अच्छे कार में बैठे, ताकि आपको वाइब्रेशन का बिल्कुल भी पता ना चले कि हमारा कार आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि हाँ, हमारा कार ये कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, आप खिड़की के बाहर नहीं देख सकेंगे, आपको कान से कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आप अपने जो कार की जो सीट है उस पर एकदम आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए। और गाड़ी जब एक कांस्टेंट स्पीड में चलेगी, किसी तरह का कोई ट्रैफिक, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। असल में क्या हो रहा है, गाड़ी चल रही है लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। यही होता है हमारा अर्थ के साथ। अर्थ में एक कांस्टेंट स्पीड है। अर्थ में ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप बाहर की तरफ स्पेस की तरफ देख सकते हो। अर्थ का आउटसाइड पार्ट क्या है, स्पेस है। स्पेस की तरफ आप देख सकते हो क्या हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं देख रहा है? आप स्पेस नहीं देख सकते हो। आप अभी जिस जगह पे खड़े हो, क्या आपको स्पेस दिख रहा है? आपको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कार में जब आप बैठे होते हो तब तो आप बाहर की चीजों को देख सकते हो। तो उसके रिलेटिव में आप बताते हो कि हाँ, हमारा कार आगे पीछे हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अर्थ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थ का आउटसाइड एरिया जो स्पेस है उसको तो आप नहीं देख सकते हो, उस पर तो आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा फंडा, यही था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि अर्थ जो रोटेट करती है, जो घूमती है, तो हमें फील क्यों नहीं होता, हमें एहसास क्यों नहीं होता कि हाँ, अर्थ रोटेट कर रही है। तो इसका मैंने वजह बता दी, अपने कार में बैठिए, अपने जो कार के जो विंडोज है उन पे ब्लैक पेंट कर दिए, कान में ईयर प्लग लगा लिए, अच्छा कार में बैठिए जिसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब आप बिल्कुल एकदम नॉन फीलिंग पर्सन बन जाए, जिसमें किसी तरह का फीलिंगलेस पर्सन, जिसमें किसी तरह का कोई फीलिंग ना हो। गाड़ी चलेगी लेकिन आपको एहसास नहीं होगा कि हमारी गाड़ी चल रही है। तो ये होता है हमारा अर्थ के साथ, ऐसा ही सेम होता है। तो दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।